आप सबको यीशु मसीह की तरफ से मेरा नमस्कार। मैं आज देश की आज़ादी के बारे में बातें करना चाहूँगी, क्योंकि कल सभी लोग आज़ादी के दिन मना रहे थे और सभी लोग बहुत ही खुश थे कल। लेकिन मैं तो बहुत दुखी थी, क्योंकि दुख का दिन कल था, क्योंकि आज़ादी तो अंग्रेज़ों से हमें मिल गया, लेकिन कुछ लोगों से और कुछ विषय पर हमें आज़ादी अब तक नहीं मिली। वे क्या विषय हैं हमें जानना आवश्यक है। कुछ विषय में हमें आज़ादी अब तक नहीं मिली, वे क्या विषय हैं हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगा हमारे बाल बच्चों के ऊपर इस साल बहुत ही हत्याचार हुए। आप सब लोग उसे जानते हैं, 5 साल से लेकर 12 साल तक बच्चों के ऊपर इतने हत्याचार हुए, हम गिन ही नहीं सकते। ये तो बहुत विचार की बात है। ये सब क्यों हो रहा है? मानव में क्या हो गया? मनुष्य में क्या चल रहा है? उनके मन में, मनुष्यों के मन में क्या चल रहा है? क्यों ऐसे राक्षस कार्य करते रहे हैं? एक बार सोचिए, जाति के मामले में बहुत ही झगड़े हुए इस साल। औरतों को और भाई बहनों को बहुत ही मारपीट किए, और धार्मिक विषय में भी बहुत ही झगड़े हुए। हमने बचपन से कभी सुना ही नहीं, ऐसे झगड़े हमें देखे ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में हम आजकल बहुत ही सुन रहे हैं। क्या हो गया इस समाज को? क्या हो गया इस समाज को? क्या चाहिए? अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन इन विषयों में हमें आज़ादी अब तक नहीं मिली। बच्चों को हम 10 मिनट तक भी छोड़ नहीं सकते बाहर, खेलने के लिए भी हम छोड़ नहीं सकते हमारे बच्चों को। क्यों ऐसा हुआ समाज? एक बार सोचिए, मन का फिरान बहुत ही ज़रूरी है। किसकी वजह से मन की फिरान होगी? एक बार सोचिए प्रिय भाइयों और बहनों, मन का फिरान कौन कर सकता है? मनुष्यों का उद्धार कौन कर सकता है? उद्धार का दिन कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर यीशु मसीह दे सकते हैं। एक बार सोचिए, उनके मार्ग में चलिए। उनका मार्ग बहुत ही अच्छे मार्ग हैं, क्योंकि हमेशा अच्छे मार्ग में वे चले और हमें भी चलाते रहें अब तक। जो कोई भी उन पर विश्वास रखता है, वे हमेशा स्वतंत्र और उद्धार रहता है। एक बार प्रभु के वचन हम पढ़कर देखेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जानो और मानो, हमें कैसे उद्धार मिलता है? प्रभु के वचन पढ़कर हम एक बार देखेंगे। मत्ती चैप्टर 5:28 में हमें ये बात जानना होता है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, प्रभु के वचन कितने अच्छे हैं। देखिए, इस वचन में प्रभु स्पष्ट से हमें बोल रहे हैं कि पाप मनुष्य के मन में से शुरू हुआ, और हमें दवा भी मन में से ही मिलना चाहिए। मन का फिरान बहुत ही ज़रूरत है। जो कोई मन में पाप दृष्टि से स्त्री को देखता है, उधर ही पाप शुरू हो जाता है। इसीलिए मन का फिरान बहुत ही ज़रूरत है। किससे प्राप्त होता है ये मन का फिरान? कौन दे सकता है उद्धार? मन में से उद्धार, मन की उद्धार कौन कर सकता है? ये देखने के लिए, ये समझने के लिए बहुत ही शक्ति हमें ज़रूरी है।
कौन सी शक्ति ज़रूरी है? यीशु मसीह की शक्ति, यीशु मसीह की शक्ति हमें बहुत ही ज़रूरत है। और देखें यूहत्रा चैप्टर 8 वर्सेस 32 में हम पढ़कर दिखाएंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सभी लोगों को एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, सभी मानव सत्य में और सत्य को जानना बहुत ही ज़रूरत है। सत्य को जानने से क्या आएगा हमें, क्या आएगा? सत्य को जानने से हमें स्वतंत्र मिलेगा। स्वतंत्र मिलने से ऐसे हत्याचार और ऐसे झगड़े और पाप कार्य भी हम कर नहीं सकते। मन का फिरान केवल यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, सभी लोगों के मन यीशु मसीह के तरफ मुड़ाइए, क्योंकि उन पर है उद्धार और उनका उद्धार हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हर वक्त तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह के तरफ से आप सबको मेरा नमस्कार।